श्री गणेश प्रेडिक्शन है आज का टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट मंथ सितंबर 2024 क्या परिणाम लेकर आए हैं, क्या फल लेकर आए हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के ट्रांजिट से। शुक्र जो कि राशि के अधिपति होकर पंचम स्थान में है, विच इज गिव्स यू सक्सेस इन लव मैटर। और शुक्र का जो ये ट्रांजिट है यहाँ पर 26 अगस्त से होने वाला है। 26 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक शुक्र पंचम स्थान में है, जो कि आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। सक्सेस इन लव मैटर, मित्रों से लाभ रहेगा। हालांकि पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देने वाला मंथ है, क्योंकि इस मंथ में सूर्य का भी ट्रांजिट यहाँ पर होने वाला है और केतु ऑलरेडी आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं। तो पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई से मन विचलित ना हो, पढ़ाई में विशेष केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। मेन ग्रह सूर्य का ट्रांजिट 16 सितंबर तक आपके सुख स्थान में है, जो शनि की दृष्टि में है, सेंटर में है सूर्य शनि का ट्रांजिट, जिसके इम्पैक्ट में यू शुड बी इन केयरफुल इन रिलेशनशिप विथ मदर फादर, जॉब में अपर लेवल, और विवाहित जो जातक है इनको अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। इसके साथ साथ मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि में कुछ खर्च आ सकता है, और नहीं आता है तो कुछ आप नया लेने का सोच रहे हैं तो 16 सितंबर तक का समय शुभ नहीं है। लेना बेचना कुछ भी करना है तो 16 सितंबर के बाद करें। 16 सितंबर के बाद सूर्य चलेंगे केतु के साथ पंचम स्थान में, और ये जो स्थान है पंचम स्थान, ये सैर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार का स्थान है, प्रणय संबंधों का स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, और इसके कारण पंचम स्थान में ये ग्रहण के कारण इन सब चीज़ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आप महसूस करेंगे। पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा। यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, मित्रों के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका भी केयर करना होगा। बहुत अच्छी बात यह है कि गुरु जो आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, ये गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। भले पंचम स्थान में ग्रहण योग बन रहा है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है ये आपका बचाव करने वाली है। मंगल की भी, मंगल सेकेंड हाउस में है, इसके इम्पैक्ट में आप सबको अपने वाणी व्यवहार और वर्तन में केयर करना होगा, आँखों का विशेष केयर करना होगा। मंगल की भी दृष्टि है पंचम भाव में, गुरु की भी दृष्टि है पंचम भाव में, तो पंचम भाव जो है एक प्रकार से थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, लेकिन आकस्मिक बचाव भी होता है क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है। पंचम दृष्टि में गुरु का सबसे ज़्यादा पावर रहता है। गुरु सप्तम में दृष्टि करते हैं, जिसके इम्पैक्ट में जो भी जातक अविवाहित हैं इनको एंगेजमेंट मैरिज इत्यादि प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है, और जो भी जातक मैरिड हैं कुछ दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी गुरु के एस्पेक्ट के कारण सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इस मंथ में आपको कोई नया लव वन भी मिल सकता है, क्योंकि गुरु शुक्र का नौ पंचम योग बन रहा है। 18 सितंबर तक गोचर ट्रांजिट में जो शुक्र है वो गुरु की दृष्टि में है, तो देयर आर पावरफुल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समवन, कोई अच्छा नया मित्र आपको मिल सकता है 18 सितंबर तक। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य में भी वृद्धि करने वाली है, तो गुरु का ट्रांजिट आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ है। जिनका भी जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है ये जातकों के लिए गुरु का फल एक्सीलेंट है। कृतिका के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रहेगा, क्योंकि आपके लिए विपत नक्षत्र में है, लेकिन हु आर बॉर्न इन रोहिणी आपके लिए गुरु का ट्रांजिट एक्सट्रीमली फेवरेबल है, और शनि आपके दसवें स्थान में चल रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट में आप सबको आँखों का विशेष केयर करना होगा। राहु लाभ स्थान में है, केतु पंचम स्थान में है, जिसके इम्पैक्ट में मित्रों से लाभ रहेगा। और कुल मिला के ये कहेंगे कि 16 सितंबर तक का जो समय है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा करियर के मैटर के रिगार्डिंग, लेकिन इसके बाद समय शुभ है। फिर भी इतना भी जो स्ट्रेस शुभ परिणाम नहीं है, क्योंकि केतु के साथ सूर्य चलेंगे, लेकिन फिर भी 16 सितंबर के बाद का समय थोड़ा सा सुकून देने वाला है।
वृषभ राशि वाले आपके कोई मित्र हैं, इनको ये प्रेडिक्शन आपको जरूर शेयर करना है।